जो एसके साहब है ना, इनका आईडी कार्ड सिर्फ सबसे पहले मैंने वायरल किया। ये रिकॉर्ड ही आफ्ता है, कुछ 10-12 इस पे गलीज मुकदमे हैं। कोलकाता जेल में 2004 में राव है, ये गलीज आदमी है, वो गलीज गुफ्तगू कर रहा है, वो बेहुदा आदमी है। उसके मेरे पास अब अल्फाज ही नहीं है, जो अल्फाज मैं उसके लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं इन दोनों के लिए, वो मेरे पास ऑन कैमरा नहीं है। मेरा मकसद है कि ये वीडियोस आखिरी हो, इसके बाद कोई वीडियो ना आए। इससे पहले भी जिन खवातीन ने इस तरह की वीडियोस बनाई है उनको किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं बुरा कहा, लोग एंजॉय करते रहे। और मैनू भी दही, वो मैनू भी दही। कुछ लोग जरूरतमंद होते हैं, कुछ लोग गैरतमंद होते हैं, ये जरूरतमंद लोग है। इतने पैसे होने के बावजूद भी ये जरूरतमंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ बड़ी खबर शेयर करने जा रहा हूं कि मिनाहिल मलिक और शहरयार के खिलाफ जो है सैयद फुरकान शाह साहब जो है, इन्होंने एक एप्लीकेशन दी है समनाबाद थाने में, जिसका मतन कुछ इस तरीके से है कि मुसलमानों तक जब ये वीडियो पहुंची और हमारे मुआशरे में और यंगस्टर्स को खास तौर पर हर बंदा जो है इस वीडियो का तकाजा कर रहा है कि हमें वीडियो भेजी जाए, तो इस हवाले से इन्होंने जो है थाने में एक एप्लीकेशन दी है कि इन दोनों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई की जाए कि इनको पता लग सके ये वीडियोस किस तरह वायरल होती हैं और माशरे में जितना बड़ा गंद इन्होंने किया। टिकटॉकर लड़कियों और लड़कों के बारे में जिस तरह की बातें चल रही थी, अब लोगों का इंपैक्ट क्या है वो भी इनसे बात करेंगे। और सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि शाहजी, ये एप्लीकेशन जो है ये बाकायदा एक जो ऐसे मतलब समझदार इंसान ने एक एप्लीकेशन दी और कार्रवाई करवाने के लिए दी है, इसको ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये एक स्टंट है। नहीं, तो नहीं, आप नहीं, क्या नहीं। कहना चाहेंगे कि आपने क्या सोच के एप्लीकेशन दायर की है? इससे पहले भी जो सोशल कई मामला था ना, मैं उनका कंप्लेनेंट भी हूँ, कई मेरी एफआईआर दर्ज है लाहौर के थानों में। अब मेरा आईडी कार्ड नंबर मारेंगे तो वो आ जाएंगे। अल्ताफ सैन जो कराची वाले हैं ना, उनके अगेंस्ट भी कंप्लेनेंट मैं हूँ। जो पुलिस के एसएचओ के अगेंस्ट मैंने दी थी कि इनके डोप टेस्ट कराए, ये नशा करते हैं, उसका भी एप्लीकेंट मैं हूँ। इसके अलावा ये पासपोर्ट ऑफिस में जो करप्शन थी उसकी भी हाईकोर्ट में रिट मेरी तरफ से है। अब मैं गिनाने बैठूंगा तो आप 4-5 घंटे लग जाएंगे। मैंने जिस तरह के कई काम मैं करता हूं, इस एप्लीकेशन में डिले मैंने इसलिए किया कि मैं इंतजार कर रहा था कि इस दफा कोई और इंसान इनके अगेंस्ट एप्लीकेशन दे, इसको कोई बुरा कहे। आप बिलीव करें, आई स्वियर टू गॉड, सुबह से मुझे जब से मैंने एप्लीकेशन मूव किया, इससे पहले भी किसी ऐसे दोस्त का फोन नहीं आया जिसने कहा हो कि शाह साहब मैं आपके साथ हूं। ठीक है, सब ने मुझे यही कहा कि कोई नवी वीडियो आई है तो यार पिछली तो सानू पेज, यानी कि हमारे जमीर मुर्दा हो गए हैं। ये पिछले दिनों जब किसी चंद शर पसंद अनासर ने ना पंजाब कॉलेज का एक वाकया करवाया था ना, तो बच्चे बाहर निकला, ये वो, मैं बड़ा खुश हुआ कि लगता है हम लोग कौम बन गए हैं, लेकिन वो बच्चे इस्तेमाल हो गए। ठीक है, किसी ने भी अपना अलाकार बना लिया, जिसने भी बनाया उसने जुल्म किया। अब इस औरत के लिए मेरा ये मकसद नहीं है, मेरी तरफ से इस औरत को फांसी भी लगा देना, उस शहरी को कोई गोली भी मार दे, मुझे क्या इसका हासिल है। मेरा मकसद है अपनी नई नस्ल को बचाना। मेरा मकसद है कि ये वीडियोस आखिरी हो, इसके बाद कोई वीडियो ना आए। हमारा माशरे में देखे, हम मुसलमान मुल्क है, हम लोग इस्लामी बातें करते हैं, हम लोग बड़ी रिलीजियस लोग भी हमारे अंदर है, हम, मैं तो एक आम सा आदमी हूं ना, तो किसी ने भी इसके बारे में आवाज नहीं उठाई, या शायद इसलिए कि लोग कहते हैं हम इज्जतदार लोग हैं, कहीं हमारे ऊपर कीचड़ ना उछल जाए, शायद इस वजह से। मैं सबको किसी को गलत नहीं कह रहा, यह भी नहीं कह रहा कि मेरा साथ दो। अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई तो मैं इन लोगों का मुहासबा कर लूंगा और करके दिखाऊंगा। अच्छा, मुहासबा करना मतलब अगर इन पे एफआईआर लॉन्च हो जाती है तो उसके बाद का आपका लायमल क्या होगा? क्या उसके बाद मेरी इनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। आप अल्लाह ताला से माफी मांगे तो अल्लाह आपको माफ कर देता है। ये लोग तायब हो, आइंदा से कभी ऐसी वीडियो ना बनाने का वादा करें। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट का अदालत का काम है ना, या इंतजामिया का काम, इनसे छोटी बॉन्ड ले, ये इस तरह की कभी हरकत ना करें। इनको अगर प्रेसिडेंट ये बन जाते हैं ना, तो आइंदा से ऐसी वीडियो नहीं, कि मैं तो अगली वीडियो से बच रहा हूं, ये तो आ गई है। इससे पहले भी जिन खवातीन ने इस तरह की वीडियोस बनाई है उनको किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं बुरा कहा, लोग एंजॉय करते रहे, और मैनू भी दही, वो मैनू भी दही। ठीक है, ये चीज चेंज करना है। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं बारिश का पहला कतरा बनने की कोशिश कर रहा हूं। इस एप्लीकेशन के मुताबिक आपने इन दोनों के अगेंस्ट एप्लीकेशन बिल्कुल दोनों के दिए, आपके नजदीक ज्यादा गुनाहगार कौन है, जिसने ये वीडियो खुद बनाई है या जिसकी वीडियो बनाई है? दोनों, मेरी मर्जी ना हो तो वो तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ केस कर रहे हैं। वो करी जाए, ये स्टंट है, व्यूअर्स लेने का गेम है, डॉलर्स का चक्कर है।
पैसे कमाने का रौला है, कोई रौला नहीं है इनको, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। क्या है, मैं क्या कहूं, कुछ लोग जरूरतमंद होते हैं, कुछ लोग गैरतमंद होते हैं, ये जरूरतमंद लोग हैं, इतने पैसे होने के बावजूद भी ये जरूरतमंद है। तो शाह जी क्या कहना चाहेंगे आने वाले दिनों में, ये लोग इनके फॉलोअर्स कम होने के बजाय मिनाइल मलिक के 9 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, 8.5 से 9 मिलियन फॉलोअर हो गए। मैं अपनी कौम से कहूंगा कि खुदारा आप लोग कुछ नहीं ना कर सकते, तो इन लोगों के ग्रुप्स का, इनके वीलॉग्स का, इनकी टिकटॉक्स का बाइकॉट ही कर दें और इनको रियलाइज ही करवा दें कि यार ये गलत हो रहा है, बजाय के व्यूअर्स डबल हो जाए इनका बाइकॉट तो करके देखें। वो तो कह रहे हैं कि अभी 40 वीडियोस और भी आनी है जो लोगों को पता लगेंगी। वो जो एसके जो है वो भी कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, एक तरफ मिनाइल माफिया मांग रही है, दूसरी तरफ उधर एफआईए में जा रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये जो एसके साहब है ना, इनका आईडी कार्ड सिर्फ सबसे पहले मैंने वायरल किया, ठीक है, ये रिकॉर्ड ही आफ्ता है, कुछ 10-12 इस पे गलीज मुकदमे हैं, कोलकाता जेल में 2004 में रहा हुआ। अच्छा, हाँ जी, तो ये गलीज आदमी है, गलीज आदमी, उस पे मुझे गुस्सा इस बात से आया कि जब उसे किसी एंकर ने पूछा है ना कि यार आप कोई कौम को बात कहें, देखिए आपने मुझे कहा कि मैं मशवरा दे रहा हूं कि यार इसका बाइकॉट ऐसे लोगों का कर दे, उसने कहा कि इस तरह का कोई काम करे तो बत्ती बुझा ले, यानी कि वो अभी भी इतना बड़ा एक काम हो गया उसको नदामत नहीं है, वो कॉमेडी में पड़ा हुआ है, वो गलीज गुफ्तगू कर रहा है, वो बेहुदा आदमी है, उसके मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, जो अल्फाज मैं उसके लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं इन दोनों के लिए, वो मेरे पास ऑन कैमरा नहीं है। आखिर में उन लड़की लड़कों जो आजकल टिकटॉक को बहुत पसंद कर रहे हैं अभी भी, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो सारे मेरी औलाद की तरह, उन सब से मैं एक हाथ बांध के रिक्वेस्ट करता हूं, खुदा रहे ऐसे लोगों का बाइकॉट करें, इनको हौसला अफजाई ना इनकी करें, इनको आप ये रियलाइज करवाएं कि हमारे माशरे में ऐसी चीजों को लोग पसंद नहीं करते। इसका मतलब ये है इसके व्यूवर्स बढ़ने का कि लोग इस तरह के लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं, हम लोग इस तरह के लोग हमारी पसंदीदा पर्सनैलिटीज हैं, अगर व्यूवर्स बढ़ते हैं तो उसका यही मतलब है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा रहा इनका बाइकॉट कर दें, कम से कम यार यहीं पे मुतहिद हो जाए, खुदा रहा ऐसे टिकटॉकर्स का बाइकॉट कर देना। आपने सैयद फुरकान साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू सुनी, और ये पहले शख्स हैं जो इनके खिलाफ एप्लीकेंट बने हैं। वैसे तो ये वीडियो हर जगह जो है इसका चर्चा हो रहा है, लोग देख रहे हैं, मेरे ख्याल में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो इन वीडियोस तक ना पहुंचा हो, जिसने ना देखी हो। यकीनन ये एक शर्मनाक अमल है, और घर में बैठी माएं बहनें बेटियां बच्चे जो हैं वो इस चीज को देखते हैं तो शर्मिंदा हो रहे हैं कि हमारे पाकिस्तानी किस किस किस्म की हरकत कर रहे हैं। तो हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।